तो हेलो दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो मोबाइल के इंटरनेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की जो है कमेंट्स आ रही थी कि उनका जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिकली पूरा यूज़ हो जाता है और उन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो इंटरनेट है वो खुद ब खुद उड़ जाता है, और वो थोड़ा ही यूज़ करते हैं उसके बाद भी उनका जो इंटरनेट है पूरा उड़ जाता है, इंटरनेट नहीं चलता। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो हमारा इंटरनेट खत्म होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ रही है। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स की नोटिफिकेशन होती हैं, जैसे हम क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी ब्राउजर में कुछ सर्च करते हैं, उस वेबसाइट पर अगर हम परमिशंस को अलाउ कर देते हैं तो वहाँ पे जो है वो उसे जो परमिशंस मिल जाती है वेबसाइट को। ऐसी हजारों वेबसाइट रहती हैं जो परमिशंस मांगती हैं, एंड उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस भेजती रहती हैं और आपका जो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले बंद करनी है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो उसकी, जिसकी आपको ज़रूरत है उसी एप्लीकेशन की आपको जो है नोटिफिकेशन को रोकना है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि वीवो फ़ोन में मैं बता रहा हूँ, तो आपको जाना है सेटिंग्स बैकग्राउंड में, और सेटिंग्स बैकग्राउंड में जाने के बाद में, सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना, और यहाँ से जो है आपको जो है ना ऐप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट में जाकर उन सारे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन बंद कर देनी है जिसकी आपको नहीं रखनी है, और जिसकी रखनी है आप उसकी रखिएगा। वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पर जैसे मुझे इसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लॉक तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके जिसकी नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा आती है उसकी आप ऑफ कर लीजिए। चलिए ये तो अलग बात है। एंड दूसरा काम आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ये करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है, और यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे आपको जो है ऐप डाउनलोड, और यहाँ पे नीचे मिलता है ऑटो अपडेट ऐप्स, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके इसको जो डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके रख लेना, ठीक है। पहला होता है ओवर वाईफाई, ओवर नेटवर्क, तो आपको किसी पे नहीं, यहाँ पे रख लेना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। इससे क्या होता है कि अगर आपके बैकग्राउंड में अगर कोई भी ऐप्स जो अपडेट आता है किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वो ऑटोमेटिकली जो अपडेट नहीं होती, जिससे आपका जो डाटा है वो बच जाता है। एंड दूसरा तो आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है कि यहाँ पे यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब अगर आप देखते हो तो यूट्यूब की कोई भी वीडियो प्ले कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं ये वीडियो प्ले कर लेता हूँ, जो भी आप वीडियो चाहें वो प्ले कर सकते हैं। तो आप वीडियो को जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो है आपकी और उसे आप चाहते हो प्ले कर, ठीक है, वीडियो को प्ले कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो प्ले है और हो रही है, और यहाँ पे प्ले होने के बाद में भी ये ऐड आ रहा है, ऐड को स्किप होने दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो स्किप हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो का इसका रेजोल्यूशन, यहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पे आपको ऑटो पे से हटा के, ऑटो से हटा के एक रेजोल्यूशन सर्च कर लेनी है, चाहे बेशक आपको 1080 पे रख लें या फिर 720 पे रख लें, जो भी आप रखना चाहें। मैं कहूँगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 360 पे रखें तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये रखें, बस ऑटो पे ना रखें। ऑटो पे क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई भी वीडियो को अगर प्ले करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हाई रेजोल्यूशन में चल जाती है, जिससे आपका अगर इंटरनेट भी हाई है तो ऑटोमेटिक आपकी इंटरनेट की स्पीड जो काफ़ी स्पीड से चली जाती है, और आपके जो डाटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप एक जगह पे ऐड करके रखिए, तो यहाँ पे आपका नेट भी काफ़ी फास्ट चलेगा और इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हो, और सारी जो चीज़ प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यही 3 चीज़ आपको का आपका जो इंटरनेट खाती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।